जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर आपका पोस्ट परफॉर्मेंस का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। कुछ बच्चों ने इसको अपना जो पोस्ट परफॉर्मेंस था भर भी दिया होगा, किसी ने नहीं भी भरा। अब पोस्ट परफॉर्मेंस जब से आई है तो इसका कुछ सिस्टम क्लियर हो नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से आपका कार्रवाई होगा, किस प्रकार से आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। जो पहले पोस्ट भरी थी वही रहेगी, पोस्ट परफॉर्मेंस कर सकते नहीं कर सकते, यानी कि किसी प्रकार के जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट है वो क्लियर हो नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर कट ऑफ कौन सी ट्रेड की अभी कम जाएगी, हम उस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर दे। कुछ बच्चे बोल रहे किस ट्रेड की ज्यादा जाएगी और पोस्ट परफॉर्मेंस से किस ट्रेड को नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि पोस्ट परफॉर्मेंस जो आपकी भरने से किन ट्रेड को नुकसान होगा। तो इसके अंदर अगर आप पोस्ट परफॉर्मेंस में अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुए थे इसके अंदर वो था आपकी नॉर्मल जो ट्रेड थी, आपकी कुक थी, वाटर कैरियर थी, सफाई कर्मचारी थी। क्योंकि जितनी भी ट्रेड है इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और जो मैंने अपना एक व्यू दिया था कि भाई किस प्रकार से आपकी पोस्ट परफॉर्मेंस है, इसका जो सिस्टम है किस प्रकार से हो सकता है। तो एक मैंने अपना व्यू बताया था, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर जो आप बोल रहे हो सकता है, कुछ बच्चों ने उसको अलग तरीके से बताया। बड़ी आप लोगों के खुद के व्यू भी कमेंट करके बताइए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अभी जो कैटेगरी मैंने आपको बताया कि इसकी जितनी भी पोस्ट थी सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्स, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर आपकी एक हो गई जो नॉर्मल ट्रेड्समैन की भर्ती, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद थी आपकी प्लम्बर की, उसके बाद थी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की। अभी जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी ये बाद में आई थी, क्योंकि लगभग मैक्सिमम बच्चों ने जो इलिजिबल थे उन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, ये पोस्ट बाद में आई थी। जिसके अंदर जो एज का छूट दी गई थी, उसके बाद जिनके एज में छूट मिली थी उन बच्चों ने ज्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, बाकी लगभग बच्चे फॉर्म भर चुके थे। अभी इसके अंदर जो आपकी पोस्ट परफॉर्मेंस आई, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो मेरा जो मानना यह है कि जो आपका जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट थी, जिसके अंदर आपकी दफ्तरी थी, पीओन थी, फरास थी और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी था मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर। अभी क्या है कि जो ज्यादा बच्चे, मैंने बताया कि नॉर्मल ट्रेड में जो बच्चे फॉर्म सबसे ज्यादा अप्लाई हुए हैं, सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर करियर, वाशरमैन, ड्राइवर, जो भी कोबलर, जितने बार जितनी पोस्ट थी उनके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अभी वो बच्चे जब पोस्ट परफॉर्मेंस दे रहे तो वो प्लम्बर में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, जो मान एक प्रकार से जो आपकी पायनियरिंग की वैकेंसी थी उसके अंदर, उसके बाद मिनिस्ट्रियल में दे रहे हैं। अभी मिनिस्ट्रियल के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्रियल वाले प्लम्बर वाले बच्चे कम है जबकि अदर ट्रेड वाले वो ज्यादा है। तो सभी को अगर मिनिस्ट्रियल की पोस्ट परफॉर्मेंस में अपना वो प्योन से भर रहा है, दफ्तरी से भर रहा है, फराज से भर रहा है, सफाई कर्मचारी से भर रहा है, किसी न किसी पोस्ट को परफॉर्मेंस दे रहा है वो। लेकिन अब किस प्रकार से सीआरपीएफ इसका डिवाइडेशन करती है, किस प्रकार से कट ऑफ क्या करती है, अभी कुछ हम लोगों को भी इसकी क्लियर जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर सभी लोगों को वो भरने का ऑप्शन मिल रहा है मिनिस्ट्रियल का, जितनी भी पोस्ट थी, चार पोस्ट थी मिनिस्ट्रियल की, प्योन की, दफ्तरी की, सफाई कर्मचारी की और फराज की, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हो जाएंगे चारों पोस्ट के अंदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की है। तो कट ऑफ वगैरह अगर देखेंगे तो जहां तक मेरा जो विचार है सबसे ज्यादा नुकसान इन ट्रेड वालों को होगा, जबकि पहले सबसे कम फॉर्म इन्हीं के अंदर थे, क्योंकि लगभग बच्चे फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, बाद में पोस्ट आई थी और जिनकी मतलब एज में छूट मिली थी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और जिनको एज में छूट मिली थी उसमें ज्यादा अभी बच्चों की इतनी तैयारी भी नहीं रहती कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ज्यादा लंबा समय हो जाता तो इतनी तैयारी भी नहीं थी। तो इसके अंदर ठीक था सिस्टम, लेकिन अभी अगर करने से अगर ज्यादा बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं तो जिन बच्चों ने इसके पोस्ट फॉर्म अप्लाई किया था तो उनको नुकसान हो सकता है। बाकी पोस्ट परफॉर्मेंस का क्या रूल होगा क्या नहीं, सीआरपीएफ के द्वारा जब बताया जाएगा तब आपको इसके अंदर थोड़ा क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी कट ऑफ वगैरह के लिए पूछ रहे थे बच्चे, सर हम इसको ट्रेड चेंज करते तो इतना मार्क्स है, पियोन में हो जाएगा क्या, दफ्तरी में हो जाएगा, तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा डाउट क्लियर हो। हालांकि अभी कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है पोस्ट परफॉर्मेंस किस प्रकार से आपकी काउंट होगी, जो आपने जो पहले जो फर्स्ट में ट्रेड दी थी वो आपकी फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट रहेगी या थर्ड चली जाएगी, या फिर आप ये जो पायनियरिंग वाली ये दे रहे, क्योंकि पायनियरिंग वाली में तो कोई फायदा है नहीं। पायनियरिंग में आपको पता है कि वर्क एक्सपीरियंस और आपका इसमें डिप्लोमा वगैरह आईटीआई वगैरह मांगा हुआ है, बाकी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है इसमें कुछ मांग नहीं रखा है। तो सबसे ज्यादा बच्चे इसी के अंदर हो जाएंगे। अब वो किस प्रकार से अगर आता है, अगर जो मैंने बताया था उस तरीके से अगर आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होगा, और बाकी आगे आपको लोगों पता चली जाएगा किस प्रकार से सीआरपीएफ इसका पोस्ट परफॉर्मेंस वाला जो सिस्टम इसको लागू करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सही जानकारी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।